दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, दूसरे वनडे मैच को भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरीके से हार चुकी है, लेकिन इतनी शर्मनाक हार पर तो भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का भी गुस्सा फूट चुका है। आखिरकार धोनी ने भारत की हार के वो कौन से 5 कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले को नहीं जीत पाई है। धोनी ने अपने बयान में क्या क्या कहा, दोस्तों आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, आज भारत की हार का सबसे बड़ा विलेन कौन है? क्या वो खुद कप्तान रोहित शर्मा है, क्या वो पांड्या है, या फिर सूर्य कुमार यादव? उनका नाम नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, विशाखापट्टनम के मैदान में खेला गया सीरीज का दूसरा वनडे मैच एक ऐसा बुरा सपना है जिसे भारतीय क्रिकेट टीम का कोई भी फैन याद नहीं करना चाहेगा। सीरीज के पहले मुकाबले को जितनी शान से जीता था, उतनी ही बदनामी के साथ दोस्तों दूसरे वनडे मैच में हार कर भारतीय क्रिकेट टीम अब इस सीरीज में 1-1 की बराबरी से पिछड़ गई है। इस मुकाबले का ब्यौरा अगर आपको देंगे तो आपको भी शर्म आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम के केवल एक गेंदबाज ने पूरे मुकाबले को अपने पक्ष में ऐसा किया पावर प्ले के अंदर कि देखकर हर कोई दंग था। जी हाँ, हम बात मिशेल स्टार्क की ही तो कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे इस खिलाड़ी के नाम का खौफ भारत में बहुत है। पहले वनडे में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरे वनडे मैच में इनकी असल ताकत देखने को मिली। पहले ही ओवर में 200 आकर तीसरी गेंद पर शुभमन गिल को आउट कर दिया। उसके बाद रोहित और सूर्य कुमार यादव का विकेट, 2 गेंदों के अंदर 2 विकेट ले दिए अपनी टीम के लिए इस खिलाड़ी ने। 5वें ओवर तक दोस्तों हमारे 3 बड़े विकेट बड़े खिलाड़ी धाराशाही हो गए थे। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब केएल राहुल और पांड्या जैसे खिलाड़ी भी ऐसे मुश्किल खड़ी में 9-1 रन पर आउट हो गए। जडेजा के 16 रन से थोड़ी बहुत उम्मीद आने लगी थी, लेकिन एथन एलिस की गेंद पर दोस्तों ये खिलाड़ी भी आउट हो गया। हाँ, अक्षर पटेल ने 20 से थोड़े बहुत ही ज्यादा रन जरूर आगे लगाए होंगे, लेकिन 117 पर हमारी पूरी टीम ऑल आउट हो गई। एक यही आंकड़ा काफी है आपको बयान करने के लिए कि वनडे में हमारी हालत इस वक्त पर क्या है। मिशेल स्टार्क के नाम दोस्तों 8 ओवर के अंदर ही ये 5 विकेट दर्ज हो गए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 118 के लक्ष्य के लिए हमने फाइट बैक किया होगा, तो वह सोच भी गलत है। आज गेंदबाजों ने तो जी खोल कर रन लुटा दिए और मुकाबला ऐसे खत्म हुआ कि मानो कोई T20 मैच चल रहा हो। दोस्तों, बुरी तरीके से एक बहुत बड़े अंतर से भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया। उनकी सलामी जोड़ी और मिडल ऑर्डर के कुछ खिलाड़ी ही काफी थे भारत को आईना दिखाने के लिए। खैर दोस्तों, भारत तो हारा है और भारत की हार पर सवाल तो उठेंगे ही, लेकिन इस हार पर धोनी बेहद ही गुस्सा हैं और उन्होंने वो 5 कारण बता दिए जिसके चलते चाहकर भी भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले को जीत ही नहीं पाती। दोस्तों, धोनी ने अपने बयान में क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, धोनी ने कहा, पिछले 20 सालों के अंदर ये भारत की सबसे शर्मनाक हार है, वो भी विशाखापट्टनम जैसे मैदान में जो एक पल्लेबाजी पिच है, वहां पर अगर भारतीय शेर इस तरीके से ठहर हुए हैं तो इसके पीछे कई कारण हैं। आज केवल गेंदबाजी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन भारत की हार कई कारणों पर निर्भर है। और मेरे नजरिए में हार का सबसे पहला कारण यही है कि हमारी टीम का टॉप ऑर्डर बुरी तरीके से फेल रहा। ये हमने पिछले मुकाबले में भी देखा था, जब हमारे 16-3 विकेट हुए तो कैसे मिडल ऑर्डर बुरी तरीके से इम्बैलेंस हो गया। और अब तो रोहित शर्मा वापसी कर रहे थे, उनको तो टॉप ऑर्डर में गिल के साथ मिलकर शतक के लिए सोचना चाहिए था। लेकिन जिस पूरी टीम के ही 100 रन बन रहे हों, वहां पर टॉप ऑर्डर से आप क्या ही अपेक्षा करेंगे। टॉप ऑर्डर पस्त हुआ, जिसका असर हमें मिडिल ऑर्डर तक देखने को मिला, और फिर सभी खिलाड़ियों को ये प्रेशर निकल गया। रोहित और गिल, आपको शर्म आनी चाहिए और सीखना चाहिए अपनी बल्लेबाजी से। हार का दूसरा कारण टीम के मिडिल ऑर्डर में ही छुपा है। जब टीम का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाए तो मिडिल ऑर्डर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़कर टीम को सहारा दें, और ऐसा सहारा दें कि वो कम से कम 200-250 तक का तो एम रखें। लेकिन जहां पर सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी 0 पर आउट हो रहे हैं, केएल राहुल 9 रन पर जा रहे हैं, पांड्या 1 रन पर आउट हो रहे हैं, तो भला कैसे ही भारत को वो पार्टनरशिप्स मिलेंगी जो भारत को सहारा दे सके। उल्टा ये सब तो भारत को डुबा कर चले गए, और जो रन भारत को मिलने चाहिए थे वह भी नहीं मिल पाए। मिडिल ऑर्डर को भी अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। हार का तीसरा और मुख्य कारण भारत की ओवरऑल बल्लेबाजी और ऑलराउंडर्स में भी है। ऑलराउंडर्स का भी काम बनता है कि वो एक साथ इतनी ट्यूनिंग बिठाएं कि टीम के लिए 100-150 रन बना सके। और जब टीम में इतने सारे ऑलराउंडर्स खेल रहे हों, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, आप में तो बल्लेबाजी करने का हुनर है। आपको तो टीम को 200-250 तक लेकर जाना चाहिए था, लेकिन इनमें से एक भी खिलाड़ी अच्छी बड़ी पारी तो छोड़िए अपने अर्धशतक तक भी नहीं पहुंच पाया, और लानत है ऐसे ऑलराउंडर्स पर जो टीम को 200-250 तक ना ले जा पाए। हार का चौथा बड़ा कारण कहीं ना कहीं छुपा है आज भारतीय क्रिकेट टीम के बड़े खिलाड़ियों में।
रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या, साथ ही साथ रविंद्र जडेजा, आप पर ही पूरी टीम का मोराल निर्भर रहता है। आप कैसा परफॉर्म करेंगे इससे पूरी टीम को बहुत फर्क पड़ता है। युवा खिलाड़ियों की बात बाद में है, लेकिन अगर आप ही रन नहीं बनाएंगे, आप ही ऑस्ट्रेलिया के सामने अपने विकेट को फेंक जाएंगे, हार मान लेंगे, तो भला टीम कैसे जीतेगी। आपको इस हार से सीखना होगा, वरना विश्व कप का सपना भी अपने मन से भुला दीजिएगा। हार का पांचवां कारण आज कहीं ना कहीं टीम का सिलेक्शन भी रहा है। मानता हूं कि टीम में रोहित शर्मा को आना था, लेकिन ईशान किशन एक उम्दा खिलाड़ी हैं, ऋषभ पंत भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, बुमराह भी टीम के साथ नहीं है, तो थोड़ा बहुत मनोबल तो टीम का टूटा ही है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर पंत होते टीम में या ईशान किशन को भी मौका मिलता, तो शायद बल्लेबाजी थोड़ी बहुत बेहतर हो सकती थी। और भारतीय क्रिकेट टीम की हार में गेंदबाजी का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि अगर 50 ओवर के गेम में 118 रन दूसरी टीम को बनाने हो तो आप दोष किसे दीजिएगा। गेंदबाज अपनी जगह सही है, बल्लेबाजी पर काम करना होगा। 200 हार के बाद धोनी ने जो एक एक कारण बताया है वो कहीं ना कहीं सटीक भी है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है भारत की हार किस खिलाड़ी की वजह से हुई है? क्या वो रोहित हैं, क्या वो पांड्या हैं, या कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।